रॉयल एनफील्ड के सभी चाहने वालों का स्वागत है क्राफ्ट और मॉडल के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सिंपल मेथड जिससे कि आप अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक की मदद के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एक गियर ऑयल होगा और एक इंजन ऑयल होगा। ये इंजन ऑयल है, उधर गियर ऑयल है, क्लच वाला। दो अलग अलग जगह लगता है। और आयल तो एक ही डलेगा। ऑयल को हमने अभी जो ऑयल ड्रेन नट है वो दो छोटे छोटे नट थे उनको हमने खोल लिया है। और अब ये जो है आराम से इसको ड्रेन होने देना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये टाइम लेगा क्योंकि जो ड्रेन कैविटी है वो बहुत छोटी है और ऑयल जो है इसमें तकरीबन 2 लीटर के आसपास आता है। तो एक तो ये हमने अभी इंजन ऑयल का निकाल लिया और जो दूसरा ऑयल निकलता है वो निकल करेंगे तो ऑयल जो है थोड़ा सा और निकल जाएगा। ऑयल निकलना बंद हो गया है। यहाँ से इसका जो ये जो प्लेट है प्लेट को वापस से कस देंगे। और यहाँ पर 8 नंबर की एक का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गोटी की बजाय रिंग पाने का भी यूज़ करें तो भी चलेगा, स्लिप होने से बचेगा। मॉडरेटली टाइट ही रखना है इसको। बाद में जो गियर ऑयल है उसकी लोकेशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये नीचे की तरफ दिया हुआ है नट 17 नंबर का ये वाला। यहाँ से आपको फोन में देख के लगा रहा हूँ, ऐसा वो बिजी नहीं रहता मुझे। ये वाला 17 नंबर का है, 18 नंबर का ये नट है और इसको खोलना है जिससे कि इसका जो गियर ऑयल है और क्लच ऑयल है वो एक साथ निकल जाए।
ये उसको कुछ देर तरीके से छोड़ना है और उसके बाद में दोनों नटों को टाइट कर देना। और जो तीसरा ऑयल ड्रेन नट है वो है ये वाला, इसको भी हमें खोलना है और इससे भी ऑयल निकालना है। अभी ओवर होगा। हाँ ऑयल ओवर हो गए। ये तो नई गाड़ी थी, ऑयल चेंज करने की दिक्कत है। इंजन नहीं खोला जाता है साहब। अरे हाँ वो भी ठीक है, ये वाला नट आपके लिए एक नई परेशानी लेकर आया हूँ मैं। ये जो एनफील्ड वाला है ना, अरे मेरा हाथ बढ़ रहा है सर, सही है ना सर? मोबेट से कार पे आना, कार ही है छोटी कार, छोटी कार। तो भाई ये है तीसरा ड्रेन नट। कुल मिला के एक ही इंजन में तीन अलग अलग तरीके से आपको नट ऑयल निकालना है और टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल होगा वो 2 लीटर के, 2.5 लीटर के आसपास होना चाहिए। थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें और इसको इत्मीनान से नितरने दें। तीनों जो नट है उनमें से ऑयल को ड्रेन करने के बाद में हमें लगभग 1.5 लीटर के आसपास ऑयल मिला। इससे इसको हमने नापा भी है, इससे अब देख सकते हैं कि जितना भी ऑयल निकला है हमने उनको इस 1-1 लीटर की केन में डाला है और ये केन पूरी भर चुकी है। और जबकि ये जो दूसरी वाली है ये कम है, ये लगभग 2 लीटर से लगभग 100 या 150 ml के आसपास कम है। तो ये एक सीरियस इशू है अगर आपकी गाड़ी, क्योंकि एनफील्ड में लगभग 2.5 लीटर के आसपास जो मोबिल ऑयल है वो डलता है, और अगर जब आप इसको इसका ऑयल रिप्लेस करते हैं तो 2.5 से कम 2200 ml या 2300 ml के आसपास जो ऑयल है वो निकलना चाहिए। और अगर उससे कम निकलता है तो चेक करना चाहिए कि कहीं से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, या फिर जो साइलेंसर है उसमें से ऑयल तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जब साइलेंसर से ऑयल दिखता है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पिस्टन में जो ऑयल है वो जल रहा है। तो अब यहाँ पर इसका जो साइलेंसर है वो देख सकते हैं अपन, यहाँ पर देखिए आप हल्की हल्की सी जो कार्बन है वो सूखी हुई नहीं है। तो ये जो सूखा हुआ होना चाहिए था कार्बन, ये सूखा ना होकर हल्का हल्का सा गीला सा लग रहा है, ऐसा जैसे कि ऑयल मिला हुआ। तो ये भी एक इशू है शायद, इसलिए क्योंकि ये इन्होंने साइलेंसर चेंज करवाया। साइलेंसर चेंज करवाने से क्या होता है कि जो सक्शन बनना चाहिए आफ्टर एग्जॉस्ट, जो प्रेशर साइलेंसर के अंदर बनना चाहिए वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट गैस ज़्यादा बाहर निकल जाती है, जिससे माइलेज भी कम होता है, प्लस इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो भी सामने आने लगती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो कंपनी वाला साइलेंसर है आप उसी को, जो कंपनी वाला साइलेंसर है आप उसी को लगा के रखें, इस तरीके के मॉडिफाइड साइलेंसर ना लगाएं। तो डलने के लिए ये जो सेल्फ के बाजू वाला जो एक हिस्सा है, यहाँ पर ये जो ये हुआ है, इस वाले कैप से जो ऑयल है वो डलेगा। और निकालने के लिए तो हम आपको बता ही चुके हैं, अभी भी निकल रहा है धीमे धीमे, थोड़ा सा गाड़ी को अगर हिला देंगे तो थोड़ा सा और Thank you.
पूरा निकालने के बाद में अब आइए इसका जो नया ऑयल है वो इसके अंदर डालते हैं। काफी टाइम हो गया सर। अरे वो 6000 भी करानी थी, मैं बड़ा टाइम टू टाइम करवाता हूँ जी, बट इस बार थोड़ा सा 600 ही तो बहुत हो जाते हैं इसके लिए। दिसंबर पहले हफ्ते में तो उठाइए मेरे वो आपकी बात ठीक है। हाँ वही डलता तो दूजे देखो ठीक है सर। तो गाइस ये तो था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको आज रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का ऑयल चेंज करने का जो एक सिंपल मेथड होती है वो बताई। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया करते हुए कुछ नए काम के साथ में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.